हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल आज लेके आई हूँ आपके लिए बचके की रेसिपी, मीन्स पकौड़े की रेसिपी। और ये पकौड़ी जो है उसे हम रेडी कर रहे हैं कोहरे के फूल के साथ। तो कैसे बनाना है पम्पकिन के फूल के पकौड़े, ये देख लेते हैं। यहाँ मैंने 10 से 12 बिल्कुल फ्रेश फूल लिए हैं पम्पकिन के, आपको बिल्कुल फ्रेश ही लेना है। इसे मैंने साफ़ कर लिया, धुल लिया और एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। फिर इधर मैंने बेसन ले लिया है, इसमें डालना है अजवाइन, रोस्टेड अजवाइन है, इसे मैंने क्रश करके डाल दिया। थोड़ा सा हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च डाल लो, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और गार्लिक का पेस्ट। इन सभी चीज़ों का हमें बैटर रेडी करना है, जैसे कि नॉर्मली हम ब्रेड के पकौड़े या आलू चॉप बनाने के लिए तैयार करते हैं, बस वैसा ही बैटर रेडी करना है। पानी एक बारी में नहीं डालना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे और हो सकता है पानी ज़्यादा आप डाल दो तो पतला हो जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और चेक करते रहना है कि ये बैटर रेडी हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड किया और बैटर जो है रेडी कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, ना बहुत ही ज़्यादा पतली ना गाढ़ी। चेक करना है तो थोड़ा सा आप इसमें डिप करके देख लो फ्लावर को, इस तरीके से कोटिंग होने लगी है, मीन्स बैटर रेडी है। अगर कोट अच्छे से ना हो, मीन्स पतला हो गया, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप बेसन डाल के इसे फिर से गाढ़ा कर सकते हो। फिर इन फ्लावर को 1 by 1 इसमें डिप करना है और फ्राई करना है। ध्यान रखना है फ्राई करते समय फ्लावर को एक बारी फोल्ड करके ही डालना है, पूरा खोल के नहीं डालना है, एक बार या 2 बार फोल्ड कर ले। उसके बाद इस तरीके से हमें डिप करना है बेसन में और डीप फ्राई करना है। कलर बहुत अच्छा आ गया, ऐसे ही अच्छा कलर आने तक हमें फ्लावर को फ्राई करना है। और बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत ही टेस्टी डिफरेंट टाइप के पकौड़े में बच के रेडी कर सकते हो। मानसून आ गया है तो जल्दी जल्दी आप भी इस तरीके से पकौड़े बनाओ डिफरेंट स्टाइल में और सभी को टेस्ट करवाओ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी पसंद की चटनी के साथ पकौड़े को एंजॉय करें। मिलते हो अगली इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।